माय न्यू वीडियोस अगर इस चैनल पर नए तो क्या करना है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बाद में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर से प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो गाइज आज हम अपना सारा सामान मतलब जितना हमारा डायमंड है उससे हम बनाने वाले हैं अपना पिकैक्स और वो सब, देखते हैं क्या सब बनता है। और हाँ, लास्ट एपिसोड में आपने जैसे कि देखा कि मैं अच्छे से माइनिंग करके आ रहा था और क्रीपर ने आके पूरा का पूरा जो एरिया है उसको ब्लास्ट कर दिया और मैं भी मर गया। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि हमें डायमंड और वो सब भी कुछ मिल गया, लेकिन हमें आयरन स्वॉर्ड नहीं मिली थी, लेकिन मैंने वो बना दी। तो गाइस आज मैंने जैसे कि बोला कि हम अपना ये जो 5 डायमंड्स है उससे हम बनाने वाले हैं अपनी पिकैक्स, और साथ ही साथ में हम हमारा जो फार्म है उसे भी स्टार्ट करेंगे। सो अभी सबसे पहले रात हो रही है तो मैं स्टिक्स और डायमंड लेता हूँ और अपनी सबसे पहली पिकैक्स बना लेता हूँ और शायद से स्वॉर्ड भी बन जाएगी। तो ये रही हमारी डायमंड पिकैक्स और अभी मैं बनाता हूँ स्वॉर्ड जिसके लिए 2 डायमंड लगते हैं ऐसे। तो ये बन गई हमारी स्वॉर्ड डायमंड की और डायमंड की पिकैक्स जो काफ़ी अच्छी लग रही है। देखो गाइस मस्त लग रही है हमारी डायमंड की सारा टूल्स। सो अभी हमें करना है दूसरा काम, हमने फर्स्ट काम तो कर दिया, अभी हमें सेकंड काम करना है, उसके लिए हमें सबसे पहले सोना पड़ेगा। सो गाइस अभी हम उठ गए हैं और भाई ये स्वॉर्ड क्या ही लग रही है। और मैं सोच रहा हूँ ये घर थोड़ा सा चेंज करें, देखते हैं फिर। तो अभी सबसे पहले हमें बनानी होगी एक होई। मेरे पास अभी आयरन है तो मैं अभी के लिए होई बना देता हूँ आयरन की, अगर फिर कुछ भी होगा तो फिर देख लेंगे। तो ये बन गई हमारी आयरन की होई। अभी हमें चाहिए रहेगा डॉट बहुत सारा, मतलब हमें जितना फार्म बनाना है उतना, लेकिन हमें 2 चीज़ और करनी है। हमें बनाना होगा बकेट, अभी तो मैं एक ही बकेट बना रहा हूँ क्योंकि हम इन्फिनिट वाटर सोर्स बना देंगे क्योंकि वो मुझे बनाना आता है। ठीक है, तो अभी हम इधर इसको रख देते हैं आयरन को वापस से चेस्ट के अंदर। अभी मुझे बहुत सारी डर्ट चाहिए होगी, मेरे पास एक आयरन शवल है तो डर्ट तो मैं इधर कहीं से लेके आ जाऊंगा, उसका कोई टेंशन नहीं है। और मुझे एक मैं सोच रहा हूँ कि हम इधर अपना फार्म बनाते हैं तो मैं ये एरिया को फ्लैट कर दूंगा तो हमें डर्ट भी ऑटोमेटिकली मिल जाएगी और हमारा जो काम है वो भी हो जाएगा। तो देखो मैं 2 लेयर ये जो है वो पूरा डिग करने वाला हूँ, एक तो ये वाला लेयर और पूरा घर का साइज काम कर देंगे। मुझे पता है मैं थोड़ा सा घर नीचे बना दिया लेकिन कोई बात नहीं। तो अभी हम काम शुरू करते हैं। ये लास्ट और हमारा ये वाला पार्ट पूरा का पूरा क्लियर हो चुका है। मैं इधर सोच रहा हूँ हमारा आयरन फार्म एनिमल फार्म बनाएंगे, लेकिन वो अभी नहीं बनाएंगे, हम थोड़ा देर बाद बनाएंगे, थोड़ा वीडियो के बाद, क्योंकि मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कर बना देंगे। सो अभी हमें 2 ब्लॉक डिक करते जाना है। और हमारा ये वाला भी पार्ट पूरा क्लीन हो चुका है, क्लीन करने के बाद क्या लुक लगती है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा काम करना है क्योंकि ये पूरा एरिया क्लीन करना है। तो अभी मैं फटाफट से काम करता हूँ। गाइस अभी आप जैसे कि देख सकते हैं मेरे पास कितना ज़्यादा डॉट हो गया है और अभी मुझे और भी मतलब डील करना है, तो सोचो कितना ज़्यादा डॉट हो जाएगा। तो मैं अभी की तो पूरा ही कर देता हूँ, फिर बाद में कुछ करने का रहेगा ही नहीं। अभी जो भी बनाना है वो हम डायरेक्टली बना सकेंगे।
तो ये मैं पूरा भी डिग कर देता हूँ। और मुझे नई शबल भी बनानी पड़ेगी। मैं अभी आयरन की शबल ही यूज़ करूँगा क्योंकि उससे बहुत ही जल्दी डिग हो जाता है। अभी मुझे मुझे मतलब वाटर बकेट तो मेरे पास है ही, तो मुझे चाहिए होगा 2 बकेट वाटर। तो अभी सबसे पहले मैं 1 वाटर बकेट लेके आता हूँ। और आप जैसे कि देख सकते हो मैंने ये थोड़ी सी तो माइंड ठीक कर दी है, लेकिन भाई क्या करते हैं ये लोग कीपर। मैं भी शील्ड के साथ वो सब कर रहा था। बंद चालू कोई बात नहीं। अभी मुझे वाटर चाहिए, ये विलेज में वाटर भी नहीं है। ओके ये रहा। सो अभी मैं सोच रहा हूँ हम इधर ही बनाते हैं, फिर देखते हैं। एक इधर डालना है हमें और एक इधर, ताकि हमारा पूरा इनफाइनाइट वाटर सोर्स क्रिएट हो जाए। हमारा इनफाइनाइट वाटर सोर्स बन चुका है, ये कभी नहीं ख़त्म होगा, ठीक है। सो मुझे जहाँ तक पता है हमें क्या करना, मैं क्या सोच रहा हूँ इधर की साइड करते हैं, ताकि हमारा जो घर का लुक है वो भी अच्छा लगे और हमारा फार्म भी बन जाए। तो मैंने एक और गलती कर दी, एक दूसरी शॉवल बना दी थी, 2 शॉवल बनाई थी, तो एक तो वैसे की वैसी ही रही। कोई बात नहीं, मैं ये वाला जो एरिया है वो भी क्लीन कर दूंगा। तो मैं इधर बनाता हूँ, तो 1 2 मेरे पास स्वीट सीड्स कितने हैं देखते हैं। मेरे पास सिर्फ 5 वीट सीड्स हैं। मुझे जाना पड़ेगा सबसे पहले तो वीट सीड्स लेने को, लेकिन मैं सबसे पहले पूरा एरिया बना देता हूँ, फिर हम देखते हैं क्या करना है उनका। Bob the Builder करके दिखाएंगे। Bob the Builder हाँ भाई हाँ। Bob the Builder करके दिखाएंगे। Bob the Builder हाँ भाई हाँ। Okay, अभी हमारा पूरा फार्म का काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सो अभी हमें दूसरा काम करना है, वो है स्वीट सीड लाना है, लेकिन वो हम लाएंगे कल। तो गुड नाइट। सो गाइस अभी हमने अपना जो फार्म है वो तो बना दिया था पिछली रात, मतलब कल। तो अभी ये काफ़ी तो अच्छा लग रहा है। और ये क्या हुआ? ओके अभी ठीक हो गया, डाल दो, ठीक है। ये भाई ग्लिच है क्या? चलो कोई बात नहीं। अभी हमें चाहिए बहुत ज़्यादा वीट सीड्स, क्योंकि इतना हमने फार्म बनाया और हम वीट सीड्स भूखे वीट सीड्स के। सो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ अपने बहुत ज़्यादा वीट सीड्स लेके। सो अभी मुझे लास्ट काम ये करना है कि इधर जो है इधर हमें पूरा फर्टाइल एरिया बना देना है, ताकि सीड्स आसानी से ग्रो हो पाए। Bob the Builder करके दिखाएंगे। Bob the Builder हाँ भाई हाँ। चलो ये भी कर देते हैं, पानी पहुंचेगा, ठीक है। भाई अभी क्या है तेरे को, ये भी करना ही पड़ेगा ताकि लुक अच्छा लगे। शायद से मैं कम लाए और मेरा एडवांसमेंट कम्प्लीट नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैंने वो जो अपना पुराना घर था, मतलब उसको हम घर नहीं बोलेंगे, सिर्फ अपना बेड और वो सब लगाया था वहाँ पे, मैंने थोड़ी सी मतलब एकदम थोड़ी सी फार्मिंग की थी, तो इसलिए नहीं हुआ होगा। और वीट सीड्स कम पड़ गए, लेकिन अभी मैं वीट सीड लेने नहीं जा रहा। और भाई फिर से क्रीपर आ गया, तू रुक। ओ भाई मेरा रोज का क्या है, ये आता है क्रीपर और मार के चला जाता है। अभी मैं ये पूरा क्लीन करके वीडियो एंड करने वाला हूँ, क्योंकि ये सब करने में बहुत ही मेहनत लगती है भाई। होगी तो फिर से बना देंगे, ठीक है गाइस। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट से जाओ और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।